In this video, I am going to explain you wireless local loop, mobile IP, and wireless application protocol. So let us start from wireless local loop. So basically, wireless local loop यहाँ पे इसका architectural model है. So it is quite simple comparison to GSM. हमने GSM का architecture देखा था. तो GSM के architecture में जैसे हमारे पास होता है BSC, BTS and उसके आगे mobile equipment होता है. लेकिन इसके अंदर हमारे पास मोबाइल इक्विपमेंट नहीं है, FSU है. FSU दैट इज मीन बाय फिक्स्ड सब्सक्राइबर यूनिट. आई वुड लाइक राइट हियर फिक्स्ड सब्सक्राइबर यूनिट. ओके, फिक्स्ड सब्सक्राइबर यूनिट. सपोज पर्टिकुलर इट इज वन हाउस एंड व्हिच कंटेन्स पीसी टेलीफोन, देन दिस विल बी द फिक्स्ड सब्सक्राइबर यूनिट फॉर दिस पार्ट. और जीएसएम आर्किटेक्चर में जैसे बीएससी के बहुत सारे बीटीएस थे, मल्टीपल मोर देन टू, एंड पर्टिकुलर वन बीटीएस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मोबाइल इक्विपमेंट्स, सेम वे यहां पे एक बीटीएस के पास बहुत सारे मल्टीपल फिक्स्ड सब्सक्राइबर यूनिट होंगे. सो इट इज सिंपल आर्किटेक्चर. अब जीएसएम आर्किटेक्चर में यहाँ होम लोकेशन रजिस्टर था और विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर था, एचएलआर एंड वीएलआर आपको पता होगा. सो एचएलआर एंड वीएलआर इसमें नहीं है बिकॉज दिस इज द वायरलेस लोकल लूप. इसमें होम लोकेशन और विजिटर लोकेशन का कुछ काम नहीं है बिकॉज वायरलेस लोकल लूप में हमें वायरलेस एप्लीकेशन का यूज करना है. एंड दिस बीएससी गोज टू द स्विच. अब स्विच यहाँ पे क्या काम करता है? स्विच यहाँ पे नेटवर्क का काम करता है, यानी कि यहाँ से जो भी डेटा जाएगा फिक्स सब्सक्राइबर यूनिट के पास वो स्विच के पास जाएगा एंड द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस. सो ये था सिंपल इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ वायरलेस लोकल लूप. लेट अस सी नाउ मोबाइल आईपी. मोबाइल आईपी को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा व्हाट इज आईपी. बेसिकली आईपी क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट पे एक यूनिकली रिप्रेजेंटेशन करता है, तो वो होता है आईपी एड्रेस जो मोबाइल को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोबाइल आईपी के दो तरह के टाइप्स होते हैं, और यू कैन से टू टाइप्स ऑफ एड्रेस विच रिप्रेजेंट द मोबाइल आईपी. फर्स्ट इज होम एड्रेस एंड केयर ऑफ एड्रेस. होम एड्रेस बेसिकली क्या होता है? होम एड्रेस एक आईपी की तरह होता है जो सबको मालूम होता है. द सर्वर ऑल्सो नोज एंड ऑल्सो द मोबाइल नोज. मोबाइल नोड को भी पता होता है कि उसका होम एड्रेस क्या है. बट केयर ऑफ एड्रेस इट इज डायनेमिकली चेंजिंग एवरी टाइम. अब ये डायनेमिकली चेंज होता रहता है, दैट मीन्स कि जब भी केयर ऑफ एड्रेस चेंज होगा तो वो चेंजेस होम एड्रेस को पता होने चाहिए. सो दिस इज द वे. नाउ वी विल सी. अब मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा मोबाइल आईपी किस तरह से वर्क करता है. सपोज मेरे पास एक मोबाइल नोड है ए. अब ये मोबाइल नोड को किसी फाइल की रिक्वेस्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल नोड विल रिक्वेस्ट टू सर्वर वाया इंटरनेट. यानी कि मोबाइल नोड पहले सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा फाइल के लिए. अब सर्वर डायरेक्टली मोबाइल को सेंड नहीं कर सकेगा बिकॉज सर्वर के पास इसका केयर ऑफ एड्रेस नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल केयर ऑफ एड्रेस किसको पता है? होम एड्रेस को पता है. सो सर्वर आईपी डेटाग्राम को सेंड करेगा होम एजेंट को. होम एजेंट दैट मींस इनडायरेक्टली मींस होम एड्रेस. अब होम एजेंट को पता होगा कि व्हाट इज द केयर ऑफ एड्रेस न्यूली अपडेटेड लेटेस्ट. सो होम एजेंट एक टनल के थ्रू, यानी कि दिस इज आई कैन कॉल दिस इज टनल. अब ये टनल के थ्रू फॉरेन एजेंट को सेंड करेगा आईपी डेटाग्राम जो सर्वर के पास से उसको मिला है. आई रिपीट, जो भी नोड ए ने रिक्वेस्ट किया है सर्वर को वो होम एजेंट के पास जाएगा एंड होम एजेंट विल सेंड दिस टू द फॉरेन एजेंट. अब फॉरेन एजेंट एक्चुअली क्या है? फॉरेन एजेंट इज नथिंग but we can say it is the part of the mobile node which consists of the care of address. yani ki ise pata hai ki what is the care of address and actually where the mobile is now. so yahan pe jo file hai wo tunneling or tunnel ke through foreign agent ke paas jayegi and this foreign agent will send it to mobile node a. to ye actually pura architecture or you can say the explanation model of this mobile ip with the example. So, आपने देखा कि ए नोड ए
अगर रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सो इट डजंट सेंड डायरेक्टली बट इट सेंड्स टू द होम एजेंट एंड दिस होम एजेंट सेंड्स टू द मोबाइल नोड। अब मोबाइल आईपी में काम करने के लिए तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए और द थ्री कंपल्सरी थिंग्स दैट यू मस्ट नो, और सो ऑल द थ्री थिंग्स आई विल से वन बाय वन। इट इज डिस्कवरी, टनलिंग एंड रजिस्ट्रेशन। डिस्कवरी मीन्स क्या कि हर मोबाइल नोड को पता होना चाहिए कि वो उसका होम एजेंट कहाँ पे है और उसका फॉरेन एजेंट कहाँ पे है। सो इट इज द फर्स्ट डिस्कवरी और डिस्कवरिंग ऑफ द फॉरेन नोड्स एंड होम नोड्स। नेक्स्ट वन इज द टनलिंग। टनलिंग प्रोसीजर क्या है, यानी कि होम एजेंट को पता होना चाहिए कि रिसेंटली अपडेटेड फॉरेन एजेंट कहाँ है और उसका कैंप एड्रेस क्या है। नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज इनडायरेक्टली नथिंग बट द हर टाइम जब भी केयर ऑफ एड्रेस चेंज होगा तो वो होम एजेंट के पास उसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा, कौन? मोबाइल नोड। सो इट वाज द सिंपल एंड इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मोबाइल आईपी। अब हम देखेंगे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल शॉर्टली नोन एज WAP। अब जब स्मार्टफोन्स नहीं हम यूज करते थे तब GPRS हम यूज करते थे और उस GPRS में एक इंटरनेट यूज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी आती थी, वो थी WAP। आपने एक्सेस पॉइंट में देखा होगा WAP पुराने फोन्स में। सो WAP इट इज फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। सो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बड़ी इंटरनेट कंपनीज जो होती है उन्होंने ये डिजाइन किया हुआ है WAP। और WAP इट इज नथिंग बट इट प्रोवाइड्स द इंटरनेट कनेक्टिविटी ओवर द मोबाइल एप्लीकेशन। ये मोबाइल एप्लीकेशन में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब अभी के मोबाइल एप्लीकेशन में ये यूज नहीं होता है, इट वॉज द यूजफुल इन द ओल्ड मोबाइल्स। सो वॉट इज WAP बेसिकली? ये WAP प्रोटोकॉल स्टैक है। अब OSI लेयर आपको पता है, OSI लेयर सेम लाइक दैट बट विथ माइनर डिफरेंस। ये लेयर में कुछ पांच लेयर्स है, लाइक OSI में मोर लेयर्स है और यहाँ पे कुछ पांच लेयर्स है। सो नेमली वी विल डिस्कस ऑल द लेयर्स। फर्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज ऑन द कोर लेवल ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ब्राउजर्स एंड क्लाइंट जो यूज करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर्स, कंटेंट डेवलपर्स जो यूज करते हैं, वो है एप्लीकेशन लेयर। अब सेशन लेयर। सेशन लेयर यानी कि अगर यहां से कुछ भी डेटा आ रहा है तो सेशंस को मेंटेन करना, तो वो काम है सेशन लेयर का। अब सेशन लेयर इट इज कनेक्शनलेस एज वेल एज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इट ऑल्सो प्रोवाइड। अब सेशन लेयर का एक और भी काम है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करना है इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड द ट्रांजेक्शन लेयर। सेशन खत्म नहीं होना चाहिए या बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये सब मेंटेनेंस सेशन लेयर का है। सो नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन लेयर। अगर किसी भी चीज का ट्रांजेक्शन हो रहा है ओवर द मोबाइल बाय द क्लाइंट एंड द इंटरनेट, तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो तब तक उसको पूरा मैनेज करना, यानी ये काम है ट्रांजेक्शन लेयर का। इट इज क्वाइट इजी। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी लेयर। अब सिक्योरिटी लेयर का पूरा फॉर्म है वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब ये लेयर में सिक्योरिटी इश्यूज लाइक डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड मेनी मोर इश्यूज, ये सारे सॉल्व होंगे एंड इट दिस लेयर विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द सर्विस ऑन द टॉप एंड ऑल्सो बॉटम। लास्ट वन इज डेटाग्राम लेयर। अब डेटाग्राम लेयर इज सपोज इट हैंडल्स द सिंपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि यहाँ पे कौन सा नेटवर्क आ रहा है डेटाग्राम लेयर पे, लाइक आई वुड लाइक टू टेल CDMA। तो इस तरह के काफी नेटवर्क्स जो हैंडल करने हैं, सर्विसेस जो नेटवर्क से आ रही है, वो सारा डेटाग्राम लेयर का काम है। सो अगर आपको इस डायग्राम इस लेयर को सिंपली याद रखना है तो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट्स, वायरलेस एप्लीकेशन लेयर, वायरलेस सेशन लेयर। अब हियर ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल, इट इज नथिंग टफ। सो दिस वाज द इज एक्सप्लेनेशन ऑफ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। सो इन टुडेज वीडियो, सो दिस वॉज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन मोबाइल आईपी, वायरलेस लोकल लूप एंड लास्टली इट इज
वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स या किसी भी तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो यू कैन कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बेल एकेडमी। थैंक यू सो मच।